आज हम गाजर गोभी और शलगम का मिक्स वाला चटपटा अचार बनाकर तैयार करेंगे। अचार को आप मिनटों में बना सकते हैं और सबसे अच्छी बात, आप इसको सालों साल प्रिजर्व करके भी रख सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। बनाने के बाद आप इसको तुरंत ही इस्तेमाल कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूज देसी किचन। तो चलिए आज हम बनाते हैं गाजर गोभी शलगम का मिक्स अचार। गाजर गोभी का मिक्स अचार बनाने के लिए यहाँ पर हमने 250 ग्राम फ्रेश गाजर लिए, लाल वाली गाजर है। 250 ग्राम ही हमने यहाँ पर शलजम लिए है और आधा किलो के करीब गोभी का फूल था, इसको हमने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। गाजर को भी हमने छील लिया है, अब हम इसके छोटे टुकड़े कर लेंगे लंबी साइज में। ये बीच में जो इसकी नस होती है इसको हम निकाल देंगे क्योंकि थोड़ी सी हार्ड होती है, आप अगर चाहें तो इसको रख भी सकते हैं। इस तरह से हम गाजर के पीसेस कर लेते हैं लंबे लंबे स्लाइस में, एक प्लेट में रखते जाएंगे। शलजम को भी हमने छोटे टुकड़ों में काट लिया है लंबे साइज में, और गोभी को हमने पहले ही काट के रख लिया है, इसके हमने मोटे डंठल निकाल दिए हैं, केवल जो ऊपर फूल का हिस्सा है वही हमने लिया है। अब एक कढ़ाई में या बड़े बर्तन में हमने पानी गर्म किया, उसमें एक चम्मच नमक डालेंगे और जो हमने गाजर गोभी शलजम काट कर रखा है इसको हम उबलते हुए पानी में डाल देंगे। 2 से 3 मिनट तक हम इसको बॉईल करेंगे पहले, जिससे कि अगर गोभी में कोई भी कीड़े हों तो वो इसमें से पानी गर्म पानी में निकल जाएंगे। क्योंकि हम ये इंस्टेंट अचार बना रहे हैं इसलिए इसका बॉईल करना काफ़ी ज़रूरी है। गाजर गोभी शलजम उबल गया है, अब इसका पानी छान करके इसको एक कॉटन के कपड़े के ऊपर हम इसको डाल देंगे और इसको करीब 1 से 2 घंटे तक हम सुखा देंगे। धूप हो तो धूप में सुखा दीजिए, नहीं तो पंखे के नीचे भी हम इसको सुखा सकते हैं। जब तक गाजर गोभी सूख रहा है तब तक इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। 2 चम्मच यहाँ पर हमने पीली वाली सरसों ली है, 1 चम्मच से थोड़ा कम हमने यहाँ पर काली मिर्च के दाने लिए हैं, 1 चम्मच मेथी दाना लिया है, 2 छोटे चम्मच यहाँ पर हमने मोटी वाली सौंफ ली है, अचार में सौंफ का फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है, 1 चम्मच काली वाली राई ली है, सूखा धनिया लिया है यहाँ पर हमने 2 छोटे चम्मच। सब चीज़ों को हम गैस के ऊपर रखकर पहले हल्का ड्राई रोस्ट कर लेंगे जिससे कि इसकी जो भी नमी है वो निकल जाए। मसाला ड्राई रोस्ट हो चुका है, इसको हम थोड़ी देर ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद हम इसका एक कोर्स पाउडर बनाकर या दरदरा पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। आप कोई भी अचार बना रहे हो तो उसके लिए हमेशा सरसों का ही तेल इस्तेमाल करें। यहाँ पर हमने एक कढ़ाई में 1/2 कप सरसों का तेल लिया है, तेल गर्म हो गया है, इसमें हम कटी हुई अदरक 5 से 7 कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। ये सूखे मसाले हैं कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हींग पाउडर और नमक। इसकी क्वांटिटी सबकी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देंगे। इसको हम अच्छी तरह मसालों को भून लेते हैं जिससे कि मसाले में कोई भी कच्चापन हो वो उसका निकल जाए। अब जो हमने गोभी गाजर को सुखा कर रखा है वो इसमें डाल देंगे। गैस को धीमी रखेंगे जिससे कि ये जलेगा नहीं, मसाले भी नहीं जलेंगे और गाजर गोभी भी नीचे से लगेगा नहीं। इसको मिला लेते हैं अच्छी तरह से पहले। सब चीजों को अच्छी तरह मिलाते हुए 1 से 2 मिनट तक कुक करेंगे। फिर हमने जो मसाला पीस के रखा है ड्राई रोस्ट किया हुआ मसाला वो इसमें मिलाएंगे। इसको भी हम अचार के साथ अच्छी तरह मिला देते हैं क्योंकि हम ये इंस्टेंट अचार बना रहे हैं तुरंत खाने वाला, तो इसको 1 से 2 मिनट तक कुक करना बहुत जरूरी है। ये भी अच्छी तरह से मसाले मिल गए हैं। यहाँ पर हमने 1/2 चम्मच के करीब कलौंजी मिलाई है, 1 चम्मच सिरका, सफेद सिरका है, इसको मिला लिया जिससे कि अचार खराब नहीं होगा। अगर आपको अचार में तेल कम लग रहा है तो आप सरसों के तेल को गर्म करके अचार में और ऐड कर सकते हैं। अचार को हमेशा ग्लास कंटेनर में ही भरें जिससे कि अचार खराब नहीं होगा। आप चाहें तो इसको 1 से 2 दिन तक धूप में भी रख सकते हैं, अदरवाइज ये ऐसे भी खाने के लिए अचार तैयार हो गया है। रेसिपी पसंद आए तो सबके साथ शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में।
Till then, bye and take care.